बिहार में है अपराधियों की बहार, क्यों करे विचार, ठीके तो है नीतीश कुमार। बिहार सरकार पर लगातार अपराध नियंत्रण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और बेलगाम अपराधी लगातार बिहार में किस कदर तांडव मचा रहे हैं, इसकी वानगी जो है रोज़ कहीं ना कहीं से खबरें आ रही हैं। और ताज़ा मामला भोजपुर ज़िले का है। भोजपुर ज़िले में रंगदारी की एक खबर आई है और अपराधियों के बेलगाम हौसले की वानगी देखिए कि अपराधी मिठाई दुकानदार से रंगदारी की मांग करते हैं और रंगदारी की मांग पूरी ना होने पर मिठाई दुकानदार की हत्या करने उसके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन ग्रामीणों की सजगता और सूझबूझ की वजह से एक बड़ी वारदात होने से ये टल जाती है और ग्रामीणों ने अपराधियों को उसके बाद पकड़ लिया और मौके पर ही उनकी जमकर धुनाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही कृष्णागढ़ थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके स्थल पर पहुंचे। देसी कट्टे से लैस अपराधियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया गया और घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है। घटना आरा जिले के कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के सरैया बाजार की है। कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के सरैया बाजार स्थित मिठाई दुकानदार घनश्याम शाह से कुछ दिन पहले नामजद बदमाश द्वारा 5 लाख रुपये रंगदारी मांगी गई थी। बदमाश ने दुकानदार को जल्द रंगदारी में मांगे गए पैसे की मांग न पूरी करने पर परिवार समेत उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। जब मिठाई दुकानदार रंगदारी की मांग को पूरा नहीं कर पाया तो हथियार से लैस और आरोपियों ने मिठाई दुकानदार की घर में घुसकर उसकी हत्या की कोशिश की, लेकिन इसकी भनक गांव वालों को लग गई और इस वजह से गांव वालों ने अपराधियों को घेर लिया और इसके बाद उनकी जमकर धुनाई कर दी और बदमाशों को खदेड़कर पकड़ लिया गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर सभी को गिरफ्तार किया है और मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। छानबीन फिलहाल पुलिस कर रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे DSG न्यूज के साथ। आप हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप ताज़ा तरीन खबरों के लिए, बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।